अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे ऑनलाइन शॉपिंग की। ऑनलाइन शॉपिंग आजकल मोस्टली लोग करते हैं। मोस्टली आपको अगर आपके घर के आसपास कोई चीज़ नहीं मिलती है, आप ऑनलाइन चेक करते हैं, आपको बड़े आराम से वो मिल जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो आपके घर तक पहुँच जाती है और आपको जो है ना यहाँ वहाँ फिरने की या ख्वार होने की या ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। समटाइम्स एक ही मॉल के अंदर इतनी शॉप्स होती हैं कि आपको फिरना ढूंढना या ग्रॉसरी स्टोर या ऐसे प्लास्टिक की स्टोर्स आपको नहीं मिलती जिस तरह का सामान आपको अपने घर की ऑर्गेनाइजेशन के लिए चाहिए होता है। तो उसके लिए बेस्ट क्या होता है? ऑनलाइन शॉपिंग। एंड ऑनलाइन शॉपिंग में पाकिस्तान में जो सबसे बेस्ट है दैट इज़ यू कैन से दराज। बहुत सारी और भी वेबसाइट्स हैं, मैं बहुत सारी और भी वेबसाइट से चीज़ें मंगवाती हूँ, ऑन एंड ऑफ मंगवाती हूँ, आप लोग हमेशा देखते रहते हैं। बट आई थिंक दराज एक तो बहुत बड़ी साइट है, उसमें ऑप्शंस आपको बहुत सी मिल जाती हैं प्राइसेस के हिसाब से। तो ये बिल्कुल भी जो है वो स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई थी दराज से, इसलिए मैंने ये वीडियो का सोचा कि बहुत सारी मेरी जो सब्सक्राइबर्स हैं वो दराज से बड़ी आसानी से शॉपिंग कर सकती हैं, रीज़नेबल प्राइस पे कर सकती हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो शॉपिंग शेयर करूँगी वो मैंने की है दराज से। एंड मोस्टली वो चीज़ें हैं जो कि मुझे बड़ी आसानी से रीज़नेबल प्राइस पे वहाँ मिल गई थी, एंड वो अगर मैं किसी शॉप पे जाके ढूंढती तो मुझे बिल्कुल भी इतनी आसानी से नहीं मिलती। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो सबसे पहली प्रोडक्ट है दैट इज़ चीज़ स्टोरेज बॉक्स, एंड ये 592 रुपीस का मुझे मिला था। बिलीव मी इट इज़ वेरी गुड क्वालिटी। आप इसको देख सकते हैं, एक साइड से खुलता है और पीछे से ये बिल्कुल टाइट बंद है, और इसको साफ़ करना बहुत अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक से बना हुआ है। और ये ओवरसीज से आता है तो एक 10-15 दिन लगा के आता है। और इसके अंदर ना आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मोस्टली इसको आप चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। सारी चीज़ों का, जितनी भी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी, इनका लिंक मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ उसे चेक कर लीजिएगा। तो ये इतना ही बना हुआ है जितने स्लाइस चीज़ इसके अंदर पूरी आ सकती है। पूरा एक स्लाइस चीज़ का पैकेट जिसमें अराउंड 10 स्लाइसेस होते हैं वो इसके अंदर बड़े अच्छे आ जाते हैं। इसको लेने का मकसद ये है कि जब आप अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज करते हैं या सुबह के नाश्ते के टाइम जब आप अपने टेबल पर कोई चीज़ रखते हैं तो आपका टेबल एंड आपका फ्रिज बहुत ऑर्गेनाइज्ड लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है, और आप बड़ी सलीकेमंद रखती हैं। ये एक डब्बा आप लेंगे, आई थिंक ये आपकी ज़िंदगी भर चलने वाली चीज़ है जो कि कभी भी पुरानी नहीं होगी। सो ये मेरी यू कैन से के मोस्ट फेवरेट परचेज में से आती है और बहुत अच्छी है। रिसेंटली मैंने नोट किया कि जब मेरी डाइनिंग टेबल के ऊपर, क्योंकि टॉप शीशे का है, या मेरी जो सेंटर टेबल के ऊपर आपको ये शीशा नज़र आ रहा होगा, इस पे जो ट्रे वगैरह कुछ पड़ी थी उसको जब खींचो ना तो मुझे लगता है कि स्क्रैच ना पड़ जाए। तो मैं काफ़ी दिनों से किसी चीज़ के पीछे फिर रही थी जो इसको सेव कर सके। तो ये सिलिकॉन रबर डॉट्स हैं जो कि मैंने दराज से मंगवाए हैं, इसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, और ये बहुत ही रीज़नेबल मुझे पड़े हैं। आपने प्राइस भी देख ली होगी। तो सिर्फ आपने इसको हटाना है, और जो भी चीज़, जैसे अब ये मेरा गमला है, मतलब ये इंडोर प्लांट्स का पॉट है, इसको अगर मैं अपनी ट्रे के ऊपर रखती हूँ ना तो मुझे होता है कि खाड़ी की ये ट्रे और इसके ऊपर जो पेंट हुआ है ऐसे ना उसको स्क्रैच लग के वो पेंट ख़राब हो। तो उसके लिए मैंने इसको नीचे सारे रबर डॉट्स लगा दिए हैं, और ये बिलीव मी ये स्क्रैच किसी भी चीज़ के जो आपके डायरेक्ट जैसे लकड़ी की ट्रेस के ऊपर या अपने लकड़ी के फर्नीचर के ऊपर अगर कोई चीज़ रखी हुई होती है ना, तो अगर उसको आप घसीटते हैं डस्टिंग वस्टिंग के लिए तो वो क्या होता है, नीचे स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। जब आप इस तरह के रबर के डॉट्स लगाएंगे तो स्क्रैच नहीं पड़ेगी, ये याद रखिएगा। तो इस चीज़ के लिए ना दिस इज़ दी बेस्ट। और दूसरी, ये मेरी आप देख सकते हैं मेरी ट्रे है, इस ट्रे के ऊपर जो है ना मुझे फील हो रहा था कि जब मैं इसको घसीटती हूँ तो ये ट्रे का नीचे से जो है ना ये इसका पॉलिश भी ख़राब होगी, दूसरा ये मेरी जो टेबल का टॉप है शीशे का इसके ऊपर भी स्क्रैच आएगी। तो उसके लिए भी ये बहुत ही बेस्ट था। आप अपने टेबल को और काफ़ी गैप आ जाता है जब आप इसको लगाते हैं इन डॉट्स को। तो ये बहुत रीज़नेबल मुझे पड़ा, बहुत अच्छी क्वालिटी का था। ट्राई करें, इस तरह की चीज़ें लें, अपने घर को ऑर्गेनाइज रखें, अपने फर्नीचर को दाग धब्बों स्क्रैचेस से अगर आपने बचाना है ना, तो अपने अगर सामान को प्रोटेक्ट करना है ना, सो आई बिलीव इस तरह की चीज़ें ज़रूर लिया करें। तो ये डॉट्स बहुत अच्छे हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगे, और आप लोग भी जब इसको यूज़ करेंगे तो आपको भी ये चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी। तो इसका मैं दोबारा बता दूँ, मैंने लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया। हाँ जी, तो ये कैबिनेट बास्केट ये मैंने 799 की मंगवाई थी। ये सॉलिड रॉट आयरन की बनी हुई है, एंड ये इतनी अच्छी चीज़ है,
मुझे तो लगता है कि ये मेरी बेस्ट परचेजेस में आती है। मैंने क्योंकि मैंने आपको बताया था इस घर में जब मैं आई थी तो मुझे ना बहुत ज़्यादा स्टोरेज के मसले थे और एक कैबिनेट जो है ना उसमें मैंने सारे अपने वो बॉक्सेस रखे हुए हैं जो कि प्लास्टिक के डब्बे जो कि खाना पकाने के लिए मैं यूज़ करती हूँ। लेकिन अगर मैं एक दूसरे के ऊपर रखती थी तो वो बहुत ज़्यादा जगह घेरते थे और जब स्टैक करती थी तो ढकने हवा हो जाते थे। तो ये वाला जो बास्केट है कैबिनेट की, इसको मैंने मखसूस कर लिया है अपने कैबिनेट के जो डब्बों वाला कैबिनेट है उसके अंदर जो जितने भी ढक्कन है ना वो मैं इसके अंदर रख देती हूँ। इतना ऑर्गेनाइज लगता है, मेरे जो पूरी कैबिनेट है वो ख़राब भी नहीं होती। जब एक डब्बा निकालो तो दूसरे ख़राब नहीं होते, क्योंकि अगर आप एक डब्बा निकालेंगे ना तो ऊपर से और गिर जाएंगे और एक दूसरे के पत्ते स्टैक्ड होते हैं तो बहुत ज़्यादा क्लटर्ड लगता है। तो इस तरह की जो जो बास्केट्स होती है ना बड़ा बड़े काम की होती हैं। तो आप देख सकते हैं इसको मैंने बड़े आराम से इनसाइड द कैबिनेट इसको हैंग किया हुआ है। बहुत ज़्यादा बाहर इतना ऑश पॉश भी नहीं लगता, मेरी कैबिनेट बिल्कुल ठीक रहती है। सारे डब्बे आप देखेंगे दूसरे के अंदर स्टैक हुए हुए होते हैं और इतना ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा मैसी नहीं लगता। तो ये वाली टोकरी या ये वाली आयरन रॉड की बास्केट इज माय मोस्ट फेवरेट और ये ना सीरियसली इसको यूज़ करना इज़ वेरी 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 ईजी फॉर मी। हाँ जी, जो ये नेक्स्ट परचेज मैं आपको दिखा रही हूँ ये है रेफ्रिजरेटर क्लासिफाइड पार्टीशन बोर्ड। ये 420 रुपीस के चार आते हैं, ठीक है, और ये ओवरसीज से आते हैं तो एक 10-15 दिन लगा के आते हैं। बट इनकी क्वालिटी आप चेक करें, ये इतना स्टडी है, इतना मतलब अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक है कि ये टूट नहीं सकती। मतलब ये बहुत अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक से बना हुआ है। और आप मुझे कहेंगे कि इसका यूज़ क्या है। असल में फ्रिज में समटाइम्स ऐसा होता है कि जब हम कोई चीज़ रखते हैं बोतलें आपस में टकराती हैं और शोर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये वाली जो पार्टीशंस के जो मैंने बोर्ड मंगवाए हुए हैं ये बहुत अच्छे हैं, बहुत स्टडी हैं और ये जो बोतलें हैं ना ये उससे हिलती नहीं है। तो इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसको जरूर बाय करें एंड इट्स वेरी रीजनेबल। लाइक 400 रुपीस में आपको 450 या आपको 4 मिल जाते हैं। नेक्स्ट जो मेरी परचेज है दैट इज़ स्ट्रेचेबल फ्रिज ऑर्गेनाइजर बास्केट। आप लोगों ने ये बहुत दफ़ा लोगों के फ्रिज में देखी होगी एंड बिलीव मी, पहले मैं ऐसी देखती थी तो मुझे था कि पता नहीं इस तरह की होती भी होगी जिस तरह से बोलते हैं या नहीं। इसको यूज़ करते हुए ना मुझे 2-3 साल हो गए एंड ये वैसे का वैसा है, इसकी क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा एंड द प्राइस इज़ वेरी रीजनेबल। ये इतना अच्छा है, एक तो अच्छी बात यह है कि अगर आपने थोड़ी चीज़ रखनी है तो इसको छोटा कर दें और अगर आपने ज़्यादा चीज़ रखनी है तो इसको खींच के लंबा कर दें। इस तरह की मेरे पास 2 बास्केट्स हैं और जब मुझे फील होता है कि जैसे लेमन ज़्यादा मैं घर में ले आई हूँ तो वो मैं इसके अंदर रख देती हूँ, जैसे अब ये चीज़ का मैं ज़्यादा पैक्स ले आई थी तो वो मैंने इसमें रख दिए, बिस्किट्स पड़े हुए हैं आपने आपको लगता है कि बाहर पड़े रहने से बेहतर है कि फ्रिज में पड़े हों सामने पड़े हों अगर आपके जार्स भरे हुए हैं बिस्किट से तो इसके अंदर आप डाल के रखिए। बिलीव मी, ये देखें कोई जगह नहीं घेरते, आपका फ्रिज इतना ऑर्गेनाइज लगता है, इतना अच्छा लगता है जब आप इस तरह की चीज़ें अपने फ्रिज में यूज़ करते हैं। तो ट्राई किया करें कि इस टाइप की चीज़ों को यूज़ करें ताकि आपकी फ्रिज में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बड़ी ऑर्गेनाइज वे में पड़ी हुई हों। नेक्स्ट इज स्टोरेज बॉक्स रैक। ये मैंने 799 का मंगवाया था बट ये बहुत स्टडी है, ये बहुत अच्छी प्लास्टिक का बना हुआ है और ये ओवरसीज से आता है तो इसको जो है ना कुछ दिन लगते हैं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि चाइना से आती ये चीज़ें तो थोड़ा सा टाइम लेती हैं जब तक आपके पास पहुँचती है, बट ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये बड़े आराम से जो है ना आपके फ्रिज के जो दरवाज़ा होता है ना उसमें हैंग हो जाती है और मैं इसके अंदर ना कैचअप के साचे रखती हूँ क्योंकि हमें हर जगह से इतने कैचअप के साचे मिल जाते हैं और अब हैंगने का भी दिल नहीं चाहता आपको, तब यूज़ हो जाए। लेकिन जब आप यहाँ वहाँ रख देंगे ना तो एक तो किचन बड़ा क्लटर्ड लगता है, प्यारा भी नहीं लगता, अच्छा भी नहीं लगता कि मैसी सा होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर यहाँ वहाँ आपने छुपा के रख दिया तो कोई बच्चा उसको खाएगा नहीं। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं इसको सामने रख देती हूँ, मेरे बच्चे जब भी उनको कैचअप खाना होता है तो वो इसमें से 2-4 साशे निकाल के तो वो यूज़ कर लेते हैं। तो जो बाहर की आपकी कोई भी चीज़ होती है जो आप ख़रीद के लेकर आते हो तो उसके जो कैचअप पड़े हुए होते हैं या चिली गार्लिक सॉस होती है, कोई भी सॉस आपको एक्स्ट्रा मिली होती है तो वो यूटिलाइज हो जाती है और आपके जो पैसे हैं ना वो सही से यूटिलाइज होते हैं। तो ट्राई करें इस तरह की चीज़ें लेके अपने कैबिनेट्स में या यू कैन से कि फ्रिज के दरवाजे पे लगा, जैसे ही फ्रिज खोलो सामने नज़र आ रहा होता है। तो मैंने ये इसीलिए लिया है कि मेरी जो कैचअप वाले हैं ना साशे वो यूज़ हो जाए।
नेक्स्ट इज फोर ग्रिड्स फूड स्टोरेज बॉक्स. ये भी मैंने दराज से लिए, ये सारी शॉपिंग मैंने दराज से की है. एंड ये जो बॉक्स है ये बहुत अच्छा बॉक्स है. इसके अंदर आप चार डिफरेंट चीज़ें रख सकते हैं और ये आपस में मिक्सअप नहीं होती. इसके अंदर मोस्टली जो मैंने उधर देखा था तो वहाँ पर ये गोश्त के लिए यूज़ किया था, लेकिन जब मैं अपनी हेल्पर से ना जैसे सालन बनाने के लिए डिफरेंट चीज़ें कटवाती हूँ तो मैं उसको बता देती हूँ कि इसमें डाल के रख दे, तो जब मुझे यूज़ करनी होती है, आप देख सकते हैं इसके अंदर पड़ी हुई है, तो वो मैं जो अलग अलग करके डालना होता है ना तो मैं इससे निकाल निकाल के डालती हूँ. अब ये सारा सामान चटनी का है और मुझे जब चटनी बनानी है तो मैं इस तरह से चटनी बनाऊंगी, मतलब ये निकाल के अलग अलग होंगे. तो अगर साथ पड़े होते हैं, जैसे कल मुझे चटनी बनानी है, तो ये ना थोड़ा सा पानी छोड़ना शुरू कर देते हैं इंग्रीडियंट्स और आपस में ख़राब हो जाते हैं अगर आप एक ही डब्बे में डाल के रखोगे. इस तरह से होता क्या है कि हर चीज़ अलग अलग होती है और जब आपने खाना भी बनाना होता है या ज़्यादा क्वांटिटी में आपने कोई चीज़ काट ली है, जैसे धनिया ज़्यादा कटा हुआ है, तो मेरे आराम से यूटिलाइज हो जाता है एक दो दिन के लिए. तो ये बहुत अच्छा बॉक्स है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आप परचेस करना चाहते हैं. इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट. हाँ जी, तो जो ये नेक्स्ट मेरी परचेज है दैट इज़ हैंगिंग ट्रैश रैक. आई थिंक इसको यूज़ करते हुए मुझे 4 साल हो गए हैं और ये मेरा बहुत पुराना है. इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई एम यूजिंग. आपने हमेशा देखा होगा कि मैं इसको किस तरह यूज़ करती हूँ. ये इसको हैंग कर दें अपनी किचन की कैबिनेट की दरवाजे पे एंड इसके ऊपर लगा दें आप कोई भी शॉपर, कोई भी थैला जो आपके किचन में यूज़ हो रहा होता है, और काटते हुए कटिंग करते हुए कचरा यहाँ वहाँ टिश्यू पेपर इसके अंदर डालें और जब ये भर जाता है इसको लेके अपने डस्टबिन में डाल दें. बार बार आपको डस्टबिन यूज़ करने की नीड ही नहीं पड़ती. सो दिस इज़ समथिंग आई रियली लव टू यूज़. आप लोग हमेशा मुझे देखते हैं इसको यूज़ करते हुए. ये मैंने 2 लिए थे और एक मेरे घर में गेस्ट आई थी, उनको बहुत अच्छा लगा था, उस वक्त मैंने ये नया नया लिया था, तो फिर मैंने उनको एक अदद गिफ्ट कर दिया था. और अभी भी इसकी प्राइस सेम है, मैंने उस वक्त शायद 125 का लिया था और अभी ये 150 का है. एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट. ये मैं बहुत ज़्यादा आपको रेकमेंड कर रही हूँ कि ये आप ज़रूर लीजिए. ये बहुत अच्छा है और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है. जब मैं आपको बता रही हूँ कि 4 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ तो आप भी यूज़ कर सकते हैं. सो ये वाली चीज़ जो है ना आप लोगों को बहुत फ़ायदेमंद होगी आपके लिए. नेक्स्ट इज कैबिनेट डोर हुक्स. वेरी रीजनेबल, बहुत स्टडी, बहुत अच्छी क्वालिटी का है. आप इसको किचन के कैबिनेट्स में लगा सकते हैं, आप इसको अपने कमरे के बेडरूम की कैबिनेट्स में या अलमारी के अंदर इसको हैंग कर सकते हैं. अगर आपको फील होता है कि कुछ हैंग करने के लिए आपके पास कोई चीज़ नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिखाने के लिए लगाया, अदरवाइज आई मोस्टली यूज़ इट इन माई किचन, क्योंकि किचन में मैं इसके ऊपर अपने ग्लव्स वगैरह हैंग कर देती हूँ. वो पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, डेमो दे रही हूँ कि इसमें आप अपनी जैसे हस्बैंड की टाइज हैं, अपने दुपट्टे हैं और अपना इवन बैग तक इस पे हैंग कर सकते हैं. सो वेरी रीजनेबल स्टफ एंड वेरी गुड क्वालिटी चीज. सीरियसली आई गारंटी यू ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है. इसकी आप अगर इस पे कुछ भी हैंग करते ना तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी. सो होप ये जितनी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर की हैं, अगर इस तरह के व्लॉग्स आपको अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैं ये इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि जब भी मैं अपनी कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग शेयर करती हूँ और मैं आप लोगों से सिर्फ नॉर्मल बात कर रही होती हूँ या किसी टॉपिक पर बात कर रही होती हूँ, तो मुझे इतनी क्वेरीज आती हैं कि प्लीज़ आपने ये नहीं बताया, ये कितने का लिए, ये कहाँ से लिए. तो मुझे है कि जो चीज़ भी मेरे पास है जो बहुत यूज़फुल है, जो आप अपने किचन में, अपने घर में, कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो मुझे आप लोगों से शेयर करनी चाहिए, क्योंकि ये सदका जारी है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो चीज़ मुझे फ़ायदा दे रही है वो आप लोग को भी दे. और दराज एक ही साइट है और वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी. तो लिंक्स मैं दोबारा बता रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन तमाम की तमाम चीज़ों के जो है ना वो लिंक्स मिल जाएंगे. हर चीज़ का लिंक मैंने कोशिश की है, बल्कि क्या है, सबके ही लिंक्स मैंने डाल दिए. तो अगर आप लोगों को इस तरह की वीडियोस भी अच्छी लगती हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, तो मैं आप लोगों के साथ अपनी आगे आने वाले व्लॉग्स में इस टाइप की वीडियोज़ भी शामिल करूँगी. सो खैर, ये था मेरा आज का व्लॉग. उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग. टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.